बिंदी, आज आप घर पे ही रहोगे क्या? हाँ, मैं तो घर ही हूँ। मारी तो रोज ही छुट्टी रहे। घरे बीत पर आज सोफा मत पसंद की तो तन का मिले मने। बिंदी, मुंडो मोटो तो चश्मा लगायो है, कितनी एक पढ़ेली। वह बोले बोले रे जा, पर मैडम जिन के दूला खुद तो रहो तो फिर तो रहे। मैडम जी गुड मॉर्निंग। खुद तो धोले दोपहर गुड मॉर्निंग करे, फिर के मैं तो गणी पढ़ू। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? इससे पहले हमारी क्लास आई थी हाई फाइव बॉटनी के नाम से, आप सबको समझ में आया था? उसमें मैंने बताया था मीठे नीम के बारे में। मैडम जी समझ में तो क्या आया, आप थोड़ा अंग्रेजी कम बोलोगे तो सोरा समझ आएगा। सोरा तो ऐसे आपको मारवाड़ी में समझ में आएगा, तो मैं मारवाड़ी में पढ़ा देती हूँ। मैडम यहाँ रुक जाओ। हम मारवाड़ी में पढ़ेंगे, लेकिन वैज्ञानिक शब्दावली हिंदी या इंग्लिश में होगी। उसके अलावा आप दूसरी भाषाओं के शब्दों के लिए भी तैयार रहेंगे। जी क्लास चालू करा, लेकिन मारवाड़ी में टाबिया कह दिया तो करना ही है वो तो काम। और आज आप पढ़ा कि बायोलॉजी की, खास करके बॉटनी की जो अलग अलग ब्रांचेज हैं या जो शाखाएं हैं विज्ञान की, बीमाइन है कौन कौन साइंटिस्ट है जिका शुरुआती काम करया, और क्यों बने आपा भी पर्टिकुलर ब्रांच को फादर या जनक कहवा। और सबसे पहली बात कर लें आपा फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक, इनको नाम है एरिस्टोटल या जिका ना आपा अरस्तु भी कहवा, और फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जनक भी यही है। तो अरस्तु का ही चेला हा थियोफ्रेस्टस जिका है फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति शास्त्र का जनक। अरस्तु और थियोफ्रेस्टस दोनों प्लेटो की अकादमी में पढ़ता, और प्लेटो हा सुकरात का शिष्य। तो एथेंस की या गुरु शिष्य की एक श्रृंखला है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और थियोफ्रेस्टस। और अलेक्जेंडर द ग्रेट या जिका नापा सिकंदर की आगरा, सिकंदर का भी गुरु हा अरस्तु। तो आगे गोली की स्पीड हुआ हर एक फादर, फटाफट नोट करता रहो। आगे है फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी का मतलब याकरे शैवाल को विज्ञान। तो इरा जनक है फ्रिश, और फ्रिश के नाम पर एक एल्गी को नाम भी है, एक हरा शैवाल को नाम है फ्रिशिएला। और मजा की बात है कि वो फ्रिशिएला नाम दिया एमओपी आयंगर जिका ने आपा किया करा फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। आगे अब आपा बात करा फफूंद की यानी कवक की, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान का जनक है हेनरिक एंटोन डी बेरी। सबसे पहले बताया कवक और शैवाल की साझेदारी के बारे में यानी लाइकेन्स के बारे में। आधुनिक कवक विज्ञान में आपा मानिया करा मिशेलिन ने जनक, और भारत में ई जे बटलर। तो चूंकि ई जे बटलर के टाइम भारत ब्रिटेन के या अंग्रेजों के अधीन हो, तो लगभग 20 साल भारत में रिया और काफ़ी सारी फसलों पर जो भी बीमारियां हैं इनको अध्ययन करया, और एक कवक पाइथियम पर इनकी स्टडी को काफ़ी जोर हो। ब्रायोफाइट्स की स्टडी में जनक मानिया करा आपा जोहान हेडविक जिका मॉस पर स्टडी करता, और इंडिया में है शिवराम कश्यप जिका हिमालय और तिब्बत एरिया का लिवरवर्ट्स पर स्टडी करिया। लिवरवर्ट्स ने आपा ब्रायोफाइट्स की एक क्लास है हिपेटिक ऑप्सिडा बीमान रखा करा। तो ये वैसे साइंटिस्ट हाँ, लेकिन इनकी बेटी कामिनी कौशल एक एक्ट्रेस ही, और हरे के साथ यहाँ क्लो मोमेंट आवा कि अब्बा नहीं मानेंगे, तो अब्बा मान गया वाला जदि वे मूवीज में गई। कश्यप साहब की डेथ बहुत जल्दी होगी, लेकिन ये लास्ट तक भी कई सारा टूर करया हिमालय का आपके रिसर्च पर्पज़ों। अब आगे आप बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स का जनक है एफ ओ बोवर, और ये खास करके फर्न्स माते स्टडी करया, और पीढ़ी एकांतर यानी अगुणित और द्विगुणित पीढ़ी जी की एकांतर क्रम में चलती रहे फिर बारे में काफ़ी डिटेल में बताया, और पूरी जिंदगी कमा रह रिया फोकस एकदम क्लियर हो। इंडिया में अगर आप बात करें तो प्रोफेसर एस एस बीर ने किया करे फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, ये फर्न्स पर स्टडी करें, और बीमा भी खास करके पॉलीप्लोइड यानी बहुगुणिता पर। तो जब गुणसूत्र का सेट में वृद्धि हो जाए जान 4 और 5 तो वैसे बहुगुणित या करे इनकी स्टडी करें प्रोफेसर एस एस बीर। एक सांस में बोलता बोलता जबड़े दुखा लाग जावे,
ये टाबर है जिसको समुद्र पढ़ाई में ध्यान नहीं है। आगे बात करें पेलियोबॉटनी के बारे में। पेलियोबॉटनी मतलब पूरा वनस्पति विज्ञान यानी जीवाश्म पादपा को अध्ययन। तो ब्रोंगनी आर्ट ये फादर ऑफ पेलियोबॉटनी है और ये बताया कि प्लांट क्यान क्यान धीरे धीरे जटिल होता गया। पहली क्रिप्टोगेम्स आया, फिर पचे कॉनिफर्स आया, फिर पचे साइकेट्स आया और लास्ट में आया यहाँ का पौधा जिसका मैंने पुष्प या फूल हो जाकर। इंडिया में है पेलियोबॉटनी का फादर बीरबल साहनी। तो चूँकि फॉसिल प्लांट्स जिका हो या जीवाश्म पौधा जिका हो जाकर पूरा प्लांट या पूरा जीव को हिस्सों जिको एक साथ वन में लिया करें। तो ये बताया कि टाइलोफाइलम जिकी एक लीफ है, बकलेंडिया जिको एक तनो है और विलियम सोनिया जिको एक फ्लावर है, ये तीनों मिलार एक ही पौधा है। तो ये बिना रिकन्स्ट्रक्ट करया, बिना वापस एक बीरो मॉडल बनाया कि वो एक प्लांट हो सके और बिना नाम दिया विलियम सोनिया सीवार्डियाना। सीवार्ड खुद एक साइंटिस्ट है जिम्नोस्पर्म्स का। और बीरबल साहनी नया ऑर्डर्स भी सजेस्ट करया यानी नया गण टेक्सेलीज और पेंटोजाइलीज। और ज़्यादातर इनको काम हो गोंडवाना की वनस्पति पर और राजमहल की पहाड़ियाँ पर। और ये कुछ नया जीनस की भी डिस्कवरी करया और बिन आभार आप नाम देवा साहनी जाइलोन राजमहलंस। और बीरबल साहनी एक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना करया जिका को आज नाम बैंक के नाम पर ही है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी जिको लखनऊ यूपी के मायने है। बंटी का साबुन स्लो है क्या? उसमें बंटी अपने हाथों से किसको हटा रहा है? माइक्रोब्स को। और वो माइक्रोब्स जिनको आप ऐसे आंखों से नहीं देख सकते, आपको चाहिए माइक्रोस्कोप। पार्डन मी फॉर द हिंदी एंड इंग्लिश। अब हम वापस आ जाते हैं मारवाड़ी पे। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसके फादर हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। पहले धंधो करता व्यापारी या, लेकिन साथ साथ खुद का लेंस बनाता, माइक्रोस्कोप बनाता और बीमा ने देखा माइक्रोब्स ने और इन्हें नाम दिया एनिमल क्यूल्स। इसके अलावा शुक्राणु की भी खोज करया। पर मैं इन बारे में की और बताने चाहूँ, जब ये 5 साल का हा तो इन फादर की डेथ होगी और थोड़ा साल बाद में इनकी मदर दूसरी शादी करी और इनके सौतेला पिता की भी डेथ होगी। इनके 5 बच्चा है जिका मैंने 4 की डेथ होगी और इनके रहता रहता इनकी वाइफ की भी डेथ होगी। तो देखा कि इनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत दुख है, बहुत दुख देखा है, लेकिन आपके काम में इतना डूबे रहा कि इन्हें आज तक आप याद कर रिया। आप पढ़ा वायरोलॉजी के बारे में यानी वायरस का विज्ञान के बारे में। भाई साहब वायरस को नाम ले दे तो धूझने छूट जाओ शरीर में, कोविड डेढ़ भुंडी मचाइए ना। तो वायरोलॉजी का फादर है बीजरनिक। तो ये सबसे पहले बताया कि जो टोबेको मोज़ेक डिजीज़ है, मोज़ेक को मतलब याद करेगी पत्ती माते गहरा और हल्का दोनों तरह का धब्बा मिलना, तो वो एक चितकबरों सो कलर आया करे। तो ये बताया गया आज की टोबेको मोज़ेक डिजीज़ है इरो रोगजनक बैक्टीरियो भी कोई छोटो एजेंट है जिका ने नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम यानी कंटेजियस लिविंग फ्लूइड जिको संक्रामक है। इसके अलावा इनकी डिस्कवरीज में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया जिको सल्फेट को अपचयन करया करे डी सल्फो विब्रियो डी सल्फ्यूरिकांस इरी भी ये डिस्कवरी करया। इन पर देखा कि पादपा की जड़ा के साथ है भी कुछ माइक्रोब्स रिया करे जिका नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करे। तो इस टाइप को जिको एसोसिएशन है या जो संबंध है वो भी सबसे पहले बीजाणिक बताया। आगे आप बात करा के बारे में मैंने खुद नहीं ला दिया। अब आगे आप बात करा प्लांट पैथोलॉजी की यानी पादप रोग विज्ञान की। तो ये भी ये जिवाड़ा हेनरिक एंटोन डी वेरी और इंडिया में जिका आप मान्या करा वे भी सेम ही है ईजे बटलर। और रिवाइंड कर लो याद नहीं आ रही है तो फेरी नहीं याद आओ तो भाई बिदाम खाओ और तो मैं कहीं कर सकूँ। आगे बात करें इकोलॉजी की। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट यानी कि आकर पारिस्थितिकी का जनक। तो भाई पैशाला तो मस्त घूमता नहीं बनी और गणिसार का ट्रिप्स करया, गणिसार का महाद्वीप में जा रहा और हर तरह की वनस्पति अध्ययन करियो और एक संबंध देखा जलवायु और वनस्पति के बीच में, ऊंचाई और वनस्पति के बीच में, अक्षांश जिका नापा की आकर लेटिट्यूड बीरे और वनस्पति के बीच में। तो ये बता एक ही अक्षांश माध्य जो वनस्पति है बा पृथ्वी पर समान तरह की है। आइसोथर्म्स और आइसोबार्स ये सब आप मौसम के दौरान या जियोग्राफी में पढ़िया करा, बैंक के बारे में भी पहली बार बताया। सब लोग आपस में कनेक्टेड है। तो एक वेब ऑफ लाइफ के बारे में बताया यानी कि सब एक जाल के रूप में एक दूसरे को जुड़ोड़ा है और हर ऑर्गेनिज्म और भी आस पास का पर्यावरण में एक प्रकार को संबंध हो जाकर। मॉडर्न या आधुनिक इकोलॉजी का फादर है यूजीन पी ऑडम। तो ये इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा बताया और नाम हालांकि एक उन दिया बेटेंस ले दिया इकोसिस्टम नाम।
और एसोसिएट प्रोफेसर आई यूनिवर्सिटी में ये सजेशन दिया कि इकोलॉजी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन सगला एक मधासन ला गया तो भाई साहब रिसावल तबारे आ गया। इनका फादर भी यूनिवर्सिटी में सोशोलॉजिस्ट था, तो इन काफ़ी प्रेरणा दिया कि भाई तो किताब लिख, तन ये एरिया में बहुत इंटरेस्ट है। तभी मैंने किया कि अगर मैं गलती होगी तो भी फादर क्या ठीक है, गलती होगी तो सेकेंड एडिशन में सुधार लीजिए। हालांकि एडी नो बताई होनी, बहुत ज़्यादा चेंजेस एंड कौन करना पड़ा। तो लाइफ बहुत सिंपल है, पर डर घणो लगे अगर कोई काम करा तो। भारत में अगर आप बात करें तो भारत में हाँ रामदेव मिश्रा ओडम वाली जान, इनको भी मजाक उड़ी होगी भाई आ चीज़ का ही है, क्यों कोई इकोलॉजी को कोई कोर्स चालू कर रही है। पर ए पहली बार भारत में BHU में इकोलॉजी में PG को कोर्स चालू करया। और उष्ण कटिबंधीय जगह वना बैंक की उत्पादकता के बारे में काफ़ी विस्तार बताया, बैंक महत्व के बारे में बताया जिसकी चीज़ UN भी रिकोगनाइज करी। और इनकी इच्छा है कि एक अलग पर्यावरण मंत्रालय बने, और आज अपंगन वो है। तो आप यूजीन ओडम और रामदेव मिश्रा जी के केस में देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ करे कौन है कठू आवे बैंक कोई धनी दौरी होनी निकमा होवे और दूसरे की लापसी में लून गालता गालता बैंक की जिंदगी को राय तो कद फैल जाए ठाई नहीं पड़े। तो भाई साहब दूसरा लापसी बनावे थान मिले तो खा लो लून मत डालो। आगे आप बात करें भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी की, तो एरिस्टोटल ने भ्रूण विज्ञान को फादर भी बोले। एरिस्टोटल भाई साहब हर जगह, प्लांट के केस में है पंचानन महेश्वरी। तो जाना पर टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना कि एक पर्टिकुलर टाइम तक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुए, बाद में माता के पेट में ट्रांसफ़र कर दिया बिना और बच्चा को डेवलपमेंट भी मायने हुआ करे। तो प्लांट्स के केस में चीज़ पहली बार करें पंचानन महेश्वरी। तो यहाँ क्या कोई पौधा जी का सामान्य रूप संकरण नहीं कर सके वे मैं आ चीज़ें यूज़ करें। इनकी किताब बहुत फेमस हुई एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। और इनकी वजह से जी को बी टाइम को DU को बॉटनी डिपार्टमेंट हो वो बहुत फेमस हो दुनिया में भी। इन बेटा सतीश माहेश्वरी और बैंक की PDF यानी पोस्ट डॉक्टरल फेलो ये बैंक साथ है शिप्रा गुहा मुखर्जी। तो एक कहीं गिर सिर्फ पोलन या पराकणु एक पूरा को पूरा पौधो बढ़ा दिया, हालांकि मैं मदर शामिल होनी माँ शामिल होनी तो पौधो कहो हुई अगुणित प्रकार को हैप्लॉइड हुई। तो यूं भी ये काफ़ी नई नई उन्नत किस्मा बनाया। आगे आप बात करें प्लांट एनाटमी की, तो नहीं माया ग्रू इनकी किताब ही द एनाटमी ऑफ प्लांट्स। तो ये भी माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करया प्लांट्स की स्टडी वास्ते। एन ग्रू के नाम आते हैं लीनियस एक पेड़ को नाम रखा ग्रेविया जो एक मालवेसी को पौधो है। अबे टिपुड़ा जी का भी क्लास में सो रहा है बेन उठार पूछ लो निंदा मु कि हनुमान जी को फादर कौन है सब बता दे मेंडल। ठीक है मॉडर्न जेनेटिक्स आधुनिक में बैटसन, और बैटसन ही एलील नाम दिया, और जी को जीन जीनोटाइप फिनोटाइप नाम में बेकुन दिया जॉनसन और थोड़ा एक्स्ट्रा मेथान डोज दे दी। आगे है थॉमस हंट मॉर्गन TH मॉर्गन, ये फादर है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का। तो खास करके ड्रोसोफिला मेलागोनेस्टर जी की एक फ्रूट फ्लाई व्याक्र भी मायने वाइट आई वालों जी को म्यूटेशन हो उत्परिवर्तन हो भी स्टडी करया। जीन विनिमय जिका नाप के आकरा क्रॉस ओवर भी रिये स्टडी करया। बिर अलावा सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स यानी यहाँ का कैरेक्टर्स जिका एक पर्टिकुलर लिंग निर्धारित हुआ बैंक की भी ये स्टडी करया। और भी बताया कि क्रोमोजोम्स यानी गुणसूत्र माते जीन्स जिका है बे लीनियर अरेंजमेंट में रिया कर इन्हें नोबेल प्राइज मिलो है कद 1933 में फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। आगे आप पढ़ा बायोकेमिकल जेनेटिक्स, तो आर्चिबल गैरोड ये बताया कि मेंडल का लो अप्लाई हुए कुछ मानव की बीमारियां माते भी कुछ यहाँ के लिए बीमारियाँ हुआ कर जी की इनबॉर्न एरर है यानी जन्मजात त्रुटियाँ जहाँ एलकेप्टोन यूरिया ये माने जी को यूरिन है वो ब्लैक कलर को जाए करे काला रंग को जाए और एल्बिनिज्म एक चीज़ मैं और बतानी चाहूँ थाने। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम इनका दो बेटा की डेथ होगी वॉर में
और एक थर्ड बेटो जिको पोस्ट वार यानी वॉर के बाद जिको महामारी आई स्पेनिश फ्लू की भी मैंने मेरी डेथ हुई। तो युद्ध में तो एक बात है कि ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ द वॉर। जिका लोग जीवता है जिका लोग युद्ध की स्थिति में है बिंगवा से हर दिन एक संघर्ष है। पर तो आसपास बढ़िया गरबा चल रही है लेकिन दुनिया में कुछ जगह तो एडी भी है जिते लोग खाने पीने की गुनी बिजली और तो बहुत दूर की बात है जान की कीमत भी गुनी है बार बैठे। तो उम्मीद है दुनिया में एक दिन एड़ो आए जब राजनीतिक स्वार्थ या किसी भी दूसरा स्वार्थ वास्ते कोई भी बेगुना बेकसूर की जान नहीं जावे। आगे आप बात करा साइटोलॉजी की। साइटोलॉजी का फादर रॉबर्ट हुक यानी खुशी का विज्ञान का जनक है। इनकी किताब ही माइक्रोग्राफिया जिका माने पहली बार सेल या खुशी का शब्द को यूज़ करें और साथ फोटो भी है जिकी इनकी माइक्रोग्राफिया किताब की है। ल्यूवेन होलजान आपको माइक्रोस्कोप बनाया भी सूक्ष्म जीव ने देखे अभियान रॉबर्ट हुक भी देखा और रॉयल सोसाइटी जिकी हिबा ल्यूवेन हुक की जिका निष्कर्ष आ बेने कन्फर्म करने वास्ते रॉबर्ट हुक ने भेजी और बेबी ने फाइनली कन्फर्म भी करया और खोज जिकी ही ल्यूवेन हुक की बा दुनिया के सामने आई। पहली वाला जिका लोग आ जान अगर आप रॉबर्ट हुक की भी बात करा तो आर्किटेक्चर में फिजिक्स में और ये हुक्स लॉ भी दिया लॉ ऑफ इलास्टिसिटी को और जीवाश्म पर भी अध्ययन करया। अब इतना सब्जेक्ट पढ़ता पहले का लोग मगर एक सब्जेक्ट पढ़ा सांस फूलन लग जावे। आगे तो अपन ध्यान है कि लोगों का फिंगरप्रिंट एक जान को नहीं आग रहा बयान डीएनए भी लोगों को एक जान को नहीं आग रहा भले आइडेंटिकल ट्विंस भी हो एकदम 100% मैच नहीं हो सके। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है एलेक जेफरीज और इंडिया में है लालजी सिंह। तो 1991 में पहली बार डीएनए एज ए एविडेंस या सबूत के रूप में अपन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और वो एक पैतृक विवाद हो और फिर बाद में तो कई सारा हाई प्रोफाइल केस आ जान राजीव गांधी और बेअंत सिंह को एसेसिनेशन हुए और प्रियदर्शनी मट्टू को केस है तो कई सारा कैंगला केस आ जिसका मैंने डीएनए प्रोफाइलिंग या फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को हेल्प मिली यानी वहाँ लालजी सिंह एक इंस्टीट्यूट भी एस्टेब्लिश करा जिकारो नाम हो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में। इसके अलावा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद का भी डायरेक्टर योड़ा। आगे है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्क। तो इन्हें 1980 को नोबेल प्राइज मिलो वॉल्टर गिलबर्ट और फ्रेडरिक सेंगर के साथ में। ये पहली बार बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि दो अलग अलग जातियां को डीएनए मिक्स कर एक नया डीएनए बना दिया। लाइनस पॉलिंग के बारे में लाइनस पॉलिंग ने किया करे फादर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें बताया जान अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जिका प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में मिल जाकर कई सारा रासायनिक बंध के बारे में बताया। तो केमिस्ट्री को नोबेल प्राइज एन मिलो और सीकल सेल एनीमिया यानी कि जिका मायने RBC हस्याकार हो जाया करे सीकल शेप्ड हो जाया करे तो बीरे कॉज के बारे में बीरे कारण के बारे में भी बताया। इन्हें दो बार नोबेल प्राइज मिलो और यहाँ के सिर्फ 5 लोग हैं लेकिन ये इकलौता है जिकाने नोबेल प्राइज मिलो दोनों बार बिना केरे साथ शेयर करें। एक बार इन्हें मिलो 54 को केमिस्ट्री को और 1962 में मिलो नोबेल पीस प्राइज। और इनकी जो स्टडीज है भी हुई आगे जा डीएनए को जिको हेलिकल स्ट्रक्चर है वो फाइनली डिस्कवर हो पायो। इवन जिका डीएनए को डबल हेलिकल मॉडल दिया वॉटसन और क्रिक भी मैंने क्रिक ही पॉलिंग ने नाम दिया फादर ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। अब आगे अब पढ़ा फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। इन्हें नोबेल शांति प्राइज भी मिलो क्योंकि ये जिकी मैक्सिकन गेहूँ की किस्म को विकास करा फिर बाद में मैक्सिको गेहूँ का निर्यात में बहुत आगे आ गया और भारत और पाकिस्तान जांगला देश भी काफ़ी उन्नति करया और कम से कम में 1 अरब लोगों ने भूखमरियों बचाया। भारत में अगर आप हरित क्रांति की बात करा तो MS स्वामीनाथन को नाम आवे इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिलो और UNEP इनकी आकर फादर ऑफ
इकोनॉमिक इकोलॉजी, क्योंकि इनको मोटो जो है बाद में हुई एवरग्रीन रिवोल्यूशन, यानी कि आप खाद्यान्न को या प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन भी एनवायरमेंट ने नुकसान नहीं होना चाहिए। और एम एस स्वामीनाथन यहाँ जिका नॉर्मन बोरलॉग ने भारत इनवाइट करया और कई सारी एक किस्मा बनवाया। स्वामीनाथन जब 18 साल का बी टाइम बंगाल को अकाल पड़े, बंगाल दुर्भिक्ष, और बी टाइम कम से कम 3 मिलियन लोगों की डेथ हुई भारत में। तो इस बाद में सोचा कि इन्हें एग्रीकल्चर वास्ते की करना चाहिए। आगे अगर आप बात करें प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन में, जिका इंडिया में इम्पोर्टेंट है साइंटिस्ट में, को नाम है DS अठवाल, और ये वर्ल्ड को पहलो कमर्शियल हाइब्रिड बनाया बाजरा को, जिका को नाम हाइब्रिड बाजरा 1। और ये मेल स्टराइल लाइन वे भी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टराइल लाइन और रीस्टोरल लाइन्स को यूज करया। क्या आगे चलना था एग्रीकल्चरल इंजीनियर और बे किताब लिखिया बायोटेक्नोलॉजी, और ये बताया कि कई सारा रॉ मटेरियल्स है जेकर आप यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सका टेक्नोलॉजी की मदद हो, लेकिन भी रॉ मटेरियल्स केड़ा होना बायोलॉजिकल, इन्हें क्या करे बायोटेक्नोलॉजी। आगे आप पढ़ा प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, तो इमान आवे नाम गॉटलिब हेबरलैंड को, तो एक आई करया ये बताया कि जिकी पादप की काई कोशिका है बैंकों भी आपा कल्चर कर नयो पौधो बना सका, यानी कि पौधा के मायने हमारे टोटी पोटेंशियल यानी पूर्ण शक्तता होया करे, वे वापस विभाजन की अवस्था में आ सके और एक नयो पौधो बना सके। हेबरलैंड के बेटा को भी रिसर्च के एरिया में नाम है, और जिकी बर्थ कंट्रोल पिल्स हुए आकर या गर्भ निरोधक गोलियाँ आया करे बिंकी रिसर्च में इनको काफ़ी रोल हो। आगे है पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी का फादर है अर्टमान। तो कुछ एक और साइंटिस्ट रह गया है कार्ल वॉन लिने, इनको एक दूसरा नाम है कैरोलस लीनियस। तो इनकी बहुत फेमस बुक भी है सिस्टम ऑफ नेचुरी, और ये प्लांट्स को आर्टिफिशियल वर्गीकरण यानी कृत्रिम वर्गीकरण बताया, क्योंकि इनको वर्गीकरण पादप के एक दो कैरेक्टर्स पर ही बेस्ड हो, जाने नर और मादा जननांगों की संख्या के आधार पर पादपा को वर्गीकरण कर दिया। और एक पूरी आपके स्टूडेंट्स की एक खेप एक पूरी पीढ़ी तैयार करया जिका विश्व ब्रह्मांड पर जिका लोग निकलता बे के साथ है ये लोग जाओ था, और वापस आता टाइम काफ़ी सारा प्लांट स्पेसिमेन वगैरह कलेक्ट करता। आगे एक और साइंटिस्ट है जिका BSI का डायरेक्टर भी रियो डायबे को नाम है सांता पाओ। तो ये कई सारा जानना डेजर्ट प्लांट्स है, वेस्टर्न घाट्स का इलाका है, तो भारत में कई सारा इलाका की स्टडी करया। भारत में कई सारी ऐसी प्लांट स्पीशीज है जिका को लैटिन नाम दिया। आगे एक और साइंटिस्ट है जिका नाम हो विलियम रॉक्सबर्ग, स्कॉटिश साइंटिस्ट है और एक किताब लिखा फ्लोरा इंडिका, और विलियम रॉक्सबर्ग ने किया करे फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। क्लास बहुत लंबी हो रही है, कहीं आपको BP बढ़ रही हो मंठा है, पता नहीं बता दूँ पहली बार BP को नजर करो स्टीफन हेल्स जिका नापा किया करा फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये पहली बार BP को मेजर तो करे यानी ब्लड प्रेशर को, साथ में रूट प्रेशर भी मेजर करे यानी मूल दाब, तो प्लांट पर भी काम करी है एनिमल्स पर भी काम करी है, और ये ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन के बारे में भी बताया। एक और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा बैंक को नाम है जगदीश चंद्र बोस, तो ये भी मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारा विषय की स्टडी करया, फिजिक्स की बॉटनी की एक इंस्ट्रूमेंट बनाया क्रेस्कोग्राफ जिका पौधा की वृद्धि ने देख सके, और फिजिक्स में रेडियो वेव्स पर काफ़ी काम करया। इनके नाम पर इंडिया में एक बॉटनिकल गार्डन है आचार्य JC बोस बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में, और अठे एक बरगद को पेड़ है जो दुनिया को सबसे बड़ा बरगद को पेड़ है, बरगद को नाम हो याद रहे बॉटनिकल फाइकस बेंगलेंसिस मोरेसी फैमिली का पौधा, और वो जो बरगद को पेड़ है बट है वो लगभग 250 साल पुराना, और
7.5 बीघा एरिया में फैली हुई है। बताओ, कोई तो बताओ। मैडम जी, वो पेड़ तो जबरो है, दामुड़ा को खेत को नहीं तो मत तो। पर अब के बारे फसल सूखी नहीं हुई है, इन्हें भी मिट्टी की जांच करानी चाहिए कि कहीं करना चाहिए। अरे वो मिट्टी मिट्टी में कहीं चाहिए, किसी फसल उगानी, कितनों भी फर्टिलाइजर करनो, ये सब काम एग्रीकल्चर वाला का है, आपा बॉटनी वाला। हाँ जानी मैडम, बॉटनी में कितना नाम याद करना पड़े, थाने तो सगला याद दिखे। अरे बिरा, बॉटनी को मतलब सिर्फ पौधा को नाम जान लो को नहीं आकर, वो काम टेक्सोनोमिस्ट को है, वे एक्सपर्ट से आकर। तो मैडम जी थे कि मैं एक्सपर्ट हूँ गेला बनाने में। खत्म, गया।